नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है होशंगाबाद से, जहां 17,501 जरूरतमंद मजदूरों को मिला रोजगार। जी हाँ, जिले में 531 कार्यों के माध्यम से 17,501 जरूरतमंद जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार मिले, इसके सतत प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना अधिकारी मनरेगा श्री अरुण कुशराम ने बताया कि जिले में 421 ग्राम पंचायतों में से 420 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ है, जिसमें 774 हितग्राही एवं मूलक 757 सामुदायिक मूलक कार्यों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक 1,44,541 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। सामुदायिक मूलक कार्यों में 8,501 मजदूरों एवं हितग्राही मूलक कामों में 9,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जा रहा है। साथ ही काम करने वाले सभी मजदूरों को फेस मास्क भी उपलब्ध कराए गए। कार्यस्थल पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है। मनरेगा अंतर्गत श्रमिकों हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 30,604 मास्क जनपदों को उपलब्ध कराए गए हैं। श्री कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 430 जल संरक्षण व संवर्धन से संबंधित कार्य भी प्रारंभ किए गए हैं। वर्तमान में हितग्राही मूलक कामों में प्रधानमंत्री आवास, खेत, तालाब, नाइटेव शौचालय, केटल से कपिल धारा कूप, नंदन फलोधान तालाब निर्माण, आंगनवाड़ी भवन, खेल मैदान, सीसी रोड इत्यादि कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। होशंगाबाद से विवेक राय की रिपोर्ट।